अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम दानिश अली है और आप देख रहे हैं डी एंड सोलर सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने एक 18 किलोवाट की साइड इंस्टॉल की है। इसमें हमने 5 किलोवाट का एलिगो, 7.8 किलोवाट का नोवा और 5 किलोवाट का एलिगो ये हमने इंस्टॉल किए हैं। हमने पहले इनके 3-5 किलोवाट के एलिगो ही इंस्टॉल किए थे, फिर इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो गई तो हमने एक एलिगो को चेंज करके नोवा लगा दिया। ये आप देख सकते हैं कि इनके वापडा इनपुट, सोलर इनपुट, वापडा आउटपुट, बैटरी तमाम के साथ हमने ब्रेकर्स लगाए हैं, हमने चेंज ओवर्स लगाए हैं इनमें कि कोई भी सोलर इन्वर्टर ख़राब होने की सूरत में आप उस सोलर इन्वर्टर का चेंज ओवर कर अपने लोड को चलाते रहें। ये हमने इसके साथ TX3500 फोनिक्स की बैटरी है, 280 एम्पेयर की ये बैटरी इंस्टॉल की है। तो फ्रेंड्स, ये सोलर सिस्टम जो है ये बिजली सेल भी करता है और सेफ़ भी करता है। ये अप्रॉक्सीमेटली महीने के तकरीबन इनके पूरे घर का लोड चलाने के बाद 700 से 800 यूनिट के करीब सेल कर देता है। तो अभी हम आपको इसकी सोलर पैनल्स दिखाएंगे और सोलर पैनल्स के बारे में बताएंगे भी। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा पहले आपको इन्वर्टर्स दिखा दें। ये इस वक्त बिजली सेल कर रहा है, इसकी प्रोडक्शन चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं PV1 से ये 1.42 किलोवाट की प्रोडक्शन कर रहा है, और अब PV2 से ये तकरीबन 300 वाट की प्रोडक्शन कर रहा है। तो अब दूसरे इन्वर्टर पर जाते हैं। ये PV1 161 वोल्ट से वोल्टेज, PV1 से तकरीबन 2.5 किलो वाट की प्रोडक्शन आ रही है, और PV2 से तकरीबन 2 किलो वाट की प्रोडक्शन आ रही है। तो इसी तरह फ्रेंड्स, ये सोलर इन्वर्टर भी बिजली को सेल कर रहा है, लेकिन इस वक्त ये नहीं कर रहा क्योंकि इसके आगे जो फेज़ पर लोड है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये इसने अपनी सेल बंद कर कर आगे लोड को मैनेज कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों इन्वर्टर अलग अलग इस्तेमाल किए गए हैं, पैरेलल इनको नहीं किया गया क्योंकि इनमें से एक इन्वर्टर की रेटिंग चेंज हो गई है, जिस वजह से हमने इनको पैरेलल नहीं किया। तो अभी हम चलते हैं इसके पैनल्स के पास। तो ले फ्रेंड्स, हम सोलर पैनल्स के पास आ चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये 54 सोलर पैनल्स हैं। ये तकरीबन 54 के करीब सोलर पैनल हैं। एक सोलर पैनल की रेटिंग 330 वाट है। इसकी जो सीरीज़ बनाई है वो दो इन्वर्टर्स के हिसाब से अलग बनाई है, तीसरे इन्वर्टर के हिसाब से हमने अलग बनाई है। जो नोवा का इन्वर्टर है उसके लिए हमने इसको 300 वोल्टेज इनपुट दी है, और जो दूसरे इलीगो हैं उनके लिए हमने इसको जो इनपुट है वो 110 से 120 वोल्ट के बीच में दी है। तो क्योंकि इलीगो सीरीज़ जो है वो कम वोल्टेज पर ऑपरेट होती है, और जो नोवा सीरीज़ है वो क्योंकि अभी नई सीरीज़ आई हैं तो वो हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होती हैं। तो हम आपको पैनल्स दिखाते हैं, नीचे से इसकी वायरिंग दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमारा काम बिल्कुल सफाई से किया गया है, सब हर चीज़ बिल्कुल सफाई से की है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, प्रॉपर सोलर पैनल्स सारा सिस्टम इंस्टॉल किया है। अगर आप में से कोई अपना घर पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता है, हम 1.2 किलोवाट से लेकर 30 किलोवाट तक आपने हम आपका सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे। आपको आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके देते हैं। तो किसी ने भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना हो तो हमसे राबता करें। चलें फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।